यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर झांसी से सामने आ रही है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी सवारियों से भरी बस, 23 यात्री सवार, 3 की हालत नाजुक। एरच में बेतवा नदी पुल के आगे मोड़ पर बुधवार दोपहर सवारियों से भरी प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में सवार यात्री करीब 23 यात्री उसके नीचे दब गए। यह सभी चोटिल हो गए। इसमें एक पुरुष समेत 2 महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एरस थाना प्रभारी अशोक कुमार उपाध्याय के मुताबिक प्राइवेट बस गुरुसराय से सवारियों को लेकर पूंछ जा रही थी। बस एरच कस्बे से होते हुए बेतवा नदी का पुल पार करके जैसे ही आगे मोड़ तक पहुंची, तेज रफ्तार होने की वजह से चालक बस से नियंत्रित खो बैठा। बस नीचे खाई में जाकर पलट गई। बस के नीचे गिरते ही उसमें सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस में सवार यात्री उसके नीचे दब गए। बस में 12 महिला बच्चे समेत कुल 23 यात्री सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला। इन सभी को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद इन सभी की छुट्टी कर दी गई, जबकि कन्हैया लाल 50 वर्षीय निवासी उरई, सोनम 26 वर्षीय पत्नी निसार निवास गुरसराय, यो हीना 23 पत्नी मोहम्मद निवास गुरसराय को गंभीर चोट आ गई। डॉक्टर ने तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि दुर्घटना के बाद वाहन चालक एवं खलासी मौके पर फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर इलाहाबाद से सामने आ रही है। अरुण कुमार बन सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रमूण की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त के लिए अधिवक्ता अरुण कुमार की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जारी किया प्रस्ताव। बता दें कि इस सिफारिश में संबंध में जारी किए प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा है कि उनसे 17 जनवरी 2023 को उनके नाम के प्रस्ताव पर विचार किया। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के आधार पर तब कॉलेजियम ने अधिवक्ता अरुण कुमार की पदोन्नति की सिफारिश को टाल दिया। हालांकि बाद में 3 मई 2023 को न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को इंटेलिजेंस ब्यूरो की 1 फरवरी 2030 की एक रिपोर्ट भेजी। इसमें कहा गया था कि उसके पास पहले से ही दिए गए इनपुट के अलावा कोई इनपुट नहीं है जिनसे इंटेलिजेंस ब्यूरो की कोई रिपोर्ट सत्यापित किया जा सके। अरुण कुमार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के संबंधित प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बताया है कि कॉलेजियम में शामिल 3 सलाहकार न्यायाधीशों ने अरुण कुमार के बारे में सकारात्मक राय दी। वही एक अन्य सलाहकार न्यायाधीश ने कोई राय व्यक्त नहीं की। सीएम योगी और राज्यपाल ने सिफारिश पर जताई सहमति। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने कॉलेजियम की इस सिफारिश पर सहमति जताई है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। यह खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। नशे में घर लौटा था रूप किशोर, पत्नी सोनिया से कहासुनी के बाद दे दी जान। मंजोल थाना क्षेत्र के निवासी नगर में मंगलवार रात स्टेशन मास्टर के भाई ने शराब पीने पर पत्नी के टोकरी पर फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। मंगलवार रात मकान की पहली मंजिल पर उसका शव रूपट्टे के जरिए फंदे से लटका मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लटकने से मौत होने की पुष्टि हुई है। मंजोला थाना क्षेत्र में लाइन पर चामुंडा विकास नगर निवासी मुन्ना लाल रेलवे में कार्यरत थे। 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। मुन्ना लाल के तीसरे नंबर के बेटे कुलदीप सैनी को आश्रित कोटे में नौकरी मिली। कुलदीप वर्तमान में दलतपुर रेलवे स्टेशन पर मास्टर है और काशीराम नगर में रहते हैं।
कुलदीप के बड़े भाई चरण सिंह सैनी मुरादाबाद में मार्केटिंग का काम करते हैं, जबकि 29 साल का मंझला भाई रूप किशोर दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। चरण सिंह और रूप किशोर के परिवार विकास नगर वाले मकान में रहते थे। परिवार के लोग ने पुलिस को बताया कि रूप किशोर मंगलवार रात करीब 8:30 बजे नशे की हालत में घर लौटा था। इसी बात को लेकर पत्नी सोनिया से कहासुनी हो गई। इसके बाद रूप किशोर मकान की पहली मंजिल पर चला गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भूतल पर ही मौजूद थे। कुछ देर बाद रूप किशोर का बड़ा भाई चरण सिंह टहलते हुए पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि रूप किशोर का शव दुपट्टे के जरिए फंदे पर लटका हुआ था। चरण सिंह के शोर मचाने पर परिवार के अन्य लोग भी पहुंच गए। सूचना मिलने पर मंझोला थाना प्रभारी विपल शर्मा और सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर पहुंच गए। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई। टीम ने मौके पर जांच पड़ताल करने के बाद नमूने जुटाए। बुधवार शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लटकने से मौत होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उसके पेट से अल्कोहल भी मिला है। सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टीवी आज डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।